कर सकते हैं। यहां पर आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कंटिन्यू शूटिंग, एचडीआर, स्लो मो वीडियो रिकॉर्डिंग। और यहां पर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यहां पर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो ड्रॉप नोज के साथ देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो कि 720p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है और 50W का आपको फास्ट चार्जिंग दिया गया है और यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और साथ ही में आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट, माइक, 3.5 ऑडियो जैक एंड डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के ओएस एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों ये फोन जो है वो डुअल 5G को सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर कौन सा ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियाटेक की तरफ से कोई चीपेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये फोन जो है दोस्तों वो एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा और साथ ही में आपको यहाँ पर रियलमी का UI 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये फोन जो है वो 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। पहला वेरिएंट आपको 2/32 के साथ देखने को मिलेगा, दूसरा वेरिएंट 3/32 के साथ और एक और वेरिएंट मिलेगा आपको 4/64 के साथ। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी दो सिम एक मेमोरी कार्ड आप लगा पाओगे फोन के अंदर। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो बताया जा रहा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल मिलेगा, तो 2/32 का जो प्राइस है वो 7000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, 3/32 का जो प्राइस है वो 8200 और 4/64 का जो प्राइस है वो 9500 के आसपास देखने को मिलेगा।